जी रणबीर प्रताप जी बोले जी। बहुत बड़ा फैन हूँ मैं आपका सबसे पहले, और बहुत दिनों से बात करना चाह रहा था आपसे। जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, और मैं ह्यूमन विद साइंस चैनल को भी देखता हूँ। आपके चैनल की जितनी स्ट्रीम से लगभग मैंने सारी सुनी है जी, शुक्रिया। और सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि शायद आपके कुछ कमेंट्स थे या फिर लाइव में कुछ लोगों के कमेंट्स थे जौहर को लेके। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जौहर जो आपको पता होगा जी जी जी, उसको लेकर। तो हालांकि वो द्रुत नहीं है, मैं राजस्थान से हूँ और मेवाड़ की धरती से हूँ, मारवाड़ में रहता हूँ। तो आपने अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया, या फिर हो सकता है कि लाइव में जितने लोग थे उनको शायद ट्रूथ पता नहीं है। बाकी जो भी आप बताते हैं मैं डेफिनेटली बहुत अच्छे ध्यान से सुनता हूँ, और बड़ी ही अच्छी और लॉजिकल बातें करते हैं आप। और मैं आपके जितने भी लाइव्स हैं मैंने शेयर किए। जौहर पे अभी मैंने बात नहीं की जहाँ तक मुझे याद है, अगर किसी ने कुछ ऐसा सवाल किया हो तो हो सकता थोड़ा बहुत हुआ हो बात, लेकिन अभी स्ट्रीम वगैरह वीडियो वगैरह जौहर पे मैंने नहीं किया है। अच्छा, मैं भी हो सकता है कि मुझसे ही या तो मैंने गलत पढ़ लिया, या फिर शायद हो सकता है वो कोई दूसरा चैनल हो, तो मैंने शायद उस चैनल का नाम नहीं पढ़ा हो। हाँ, हो सकता है। तो और अगर मैं बोलूँगा तो वेल, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं एक जीनियोलॉजिस्ट हूँ। हम लोग वंश लेकर परिवार से संबंध रखते हैं। अच्छा, आप जानते हैं कि आपके क्षेत्र में भी वंश लेकर आते हैं या आपके घर पे? हाँ, आते हैं, देखा है मैंने जी। तो हो सकता है कि मैंने मतलब 3 से 4 पीढ़ियों का मतलब नाम वगैरह सारा कुछ बता देते हैं, डेटा वगैरह पूरा सब कुछ लिख कर रखा होता है उन्हें। हमारे पास 1000 साल से भी पुरानी हिस्ट्री है, और कॉन्स्टिट्यूशन हमको जीनियोलॉजिस्ट में भी हम मतलब कोर्ट में भी हमारे प्रूफ्स मान्य रखते हैं। और काफी जैसे जयपुर में भी अभी कुछ मसला हुआ था, मुझे नहीं पता लेकिन वो कौन से तरह के लोग हैं। 1000 साल से तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, 1000 साल से। फिर हाँ, लगभग 1000 साल का। फिर कागज फिर किस पर लिख के रखते थे? कागज वगैरह की उस टाइम भी व्यवस्था नहीं हो पाती होगी। ये नहीं, ऐसा नहीं है। उनका नवीनीकरण समय समय पे किया गया, जैसे कि पुराने जितने भी डेटा थे, लाइक कुछ जानकारी हमको शिलालेखों से मिलती है। अभी पृथ्वीराज चौहान वाला मैटर हुआ था, अगर आपको पता हो तो, उनके कास्ट को लेके। और फिर ये वोट बैंकिंग के लिए जितनी लड़ाइयाँ हुई यूपी। अगर आपके पास ना इसके ये अच्छा है, अगर आपके पास कोई इसके तौर पर कुछ प्रेजेंटेशन देना है, प्रमाण आपके पास फैक्ट है ना, पुराने पड़े हैं आपके पास, आप बता रहे हैं, तो आप आए, आपसे बात करेंगे, स्ट्रीम कर देंगे, आपके साथ दिखाएं आप, अच्छा रहेगा लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो धर्मा के नाम पे जितने फ्रॉड्स हमारी कंट्री में चल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि एक विकासशील देश को मतलब उसकी गति रोकने का एक प्रयास किया जा रहा है, कि लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। इन नामों में ऐसा उलझा दिया गया है कि हालांकि मुझे नहीं पता, अगर ये आपके चैनल को अगर देखता हूँ तो बड़े से सवाल खड़े हो जाते हैं। मैं लोगों में अलग ही दिखता हूँ अपनी सोच के साथ, और क्योंकि हम एक ऐसे परिवार से संबंध रखते हैं जो ब्राह्मणत्व और क्षत्रियत्व दोनों का प्रतीक है। हमारा जो कर्म है, जो लोगों को उनके वंश के बारे में बताना कि आपके पूर्वज ने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी है तो आप उससे भी बेहतर बनेंगी, है ना। लेकिन जब ये सारी चीजें देखता हूँ तब लगता है कि नहीं, वी आर जस्ट ह्यूमन ओनली, और हम लोगों को वही करना चाहिए जो जो हमारी इच्छा हो। जरूरी नहीं है कि मेरे बाप दादा ने जो काम किया है या जितनी लड़ाइयाँ लड़ी है। अब तो तलवारें सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए रह गई है। मेरे घर में खूब पड़ी है लेकिन उनका अभी कोई यूज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शस्त्र पूजन तक सीमित है, उससे बढ़कर आगे कुछ भी नहीं। जी जी। अच्छा, तलवारें तो मेरे को लगता है ना ये उस टाइम भी काम में नहीं आ पाए, वरना हमारा देश गुलाम नहीं होता। अगर ये पाखंड नहीं होता और ये तलवारें अगर काम आ गई होती ना, तो देश हमारा गुलाम कभी नहीं हो पाता, क्योंकि जो मुट्ठी भर लोग आकर हमारे करोड़ों की आबादी वाले देश को गुलाम बना लेते थे। ये सिर्फ सब कुछ हुआ है तो सिर्फ भगवान भरोसे या पाखंड पे छोड़ देने की बातें थी ना, इस वजह से हम गुलाम होते गए। ये हमारी कमजोरी धर्म ने हमको दी है। ये अगर धर्म नहीं होता, अगर हम ये काल्पनिक शक्तियों पर भरोसा ना कर खुद पर भरोसा किए होते, तो कभी हम गुलाम नहीं होते। अगर आपकी बातों पे अगर मैं जाऊं तो हमारी वंशावली में भी कुछ हिस्सों में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई है जिनका अगर वैवहारिकता अगर देखी जाए, उसमें प्रैक्टिकलिटी अगर देखी जाए तो शून्य निकल कर आती है। लेकिन क्या पता आप जिन्होंने लिखी है या तो उनको पता होगा, क्योंकि मेरे आसपास में जिस क्षेत्र में रहता हूँ वहाँ पे बहुत मतलब कई सैकड़ों युद्ध लड़े गए जहाँ पे मेरा घर है ना, चाहे वो अंग्रेजों से हो वो ठीक है। लिखने अभी जो है ना लिखने को तो महिमा मंडित बहुत सारी चीजें हमारे देश में की गई हैं। इतिहास सही मिलता ही नहीं है, आप भी जानते हैं। अगर आप एक तहसील हैं, आप देखें, आप सुरेंद्र कुमार शर्मा जी की हिंदू इतिहासकारों की दास्तान किताब पढ़ें, उसमें बताया गया कैसे मतलब जो उस टाइम ये मुस्लिम आक्रांता आ रहे थे वो कुछ मुट्ठी भर लोग आते थे और जो गुजरात का सोमनाथ लूट के जाते थे, जारविस जी को तो बहुत अच्छे से पता होगा। तो उधर वो कहती थी इनको सजा ना सोमनाथ खुद देंगे, ये इनकी मौत आई है इसलिए ये इधर लूटने आए हैं। तो कोई बोलते ही नहीं थे, खड़े हो जाते थे, देखते थे तमाशा, और वो इनको गाजर मूली की तरह काट देते थे और लूट के चले जाते थे। तो ये ना सिर्फ पाखंड की वजह से है, अगर वहां पर वो मुट्ठी भर लोगों पे ये लोग पत्थर भी मार देते ना, वो आधुनिक हथियार अगर वो तलवार वगैरह कुछ भी भाले वगैरह लिए होते ना तो भी वो डर के मारे भाग जाते। लेकिन उनको लगा ना कि भाई जब ऐसे बेवकूफ लोग पड़े हैं ना कि कुछ कहते ही नहीं, इससे अच्छा क्या है, तो वो बार बार आते रहे और लूट कर ले जाते रहे। यही तो कारण रहा ना। और जब एक देश की कमजोरी लोगों को पता चलती है और भी जगह उसकी इंफॉर्मेशन जाती है कि वो उस देश में सबसे बेवकूफ लोग हैं, कुछ भी जाकर लूट के आ जाइए, वो बोलते ही नहीं है, खड़े रहते हैं भगवान भरोसे कि भाई ये इनको सजा देंगे, भले गाजर मूली की तरह आप काटते आइए। तो फिर और भी उनका भी मन बनता है कि चलो फिर क्या दिक्कत है, और चलते हैं लूटने। तो ये पाखंड की वजह से ये सब कुछ हुआ है, वरना ये अखंड भारत था। और एकदम से धर्म के मतलब जब इसमें धर्म हावी हुआ उसके बाद इसका क्या विघटन हुआ, कैसे ये बिखर गया, कैसे पूरा विकास इसका रुक गया, वो चीज समझ सकते हैं। तो इतिहास में क्या लिख दिया गया वो हम तब भी मान सकते हैं कि जैसा लिखा है, अगर वैसा हमें एग्जाम्पल भी मिलता हो, कोई लड़ाई हमने जीती हो, किसी को खदेड़ा हो, हमने अपने वीरता के झंडे गाड़े हों। वो झंडे हमें तभी समझ में आते हैं ना जब हमने गाड़े भी हों, हमें कोई एग्जाम्पल्स मिलता है। जब हमें एग्जाम्पल ही नहीं मिले तो फिर क्या हम ऐसे माने के हमने झंडे गाड़े भी हैं। हाँ हाँ जी, बोलें जी। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि इंटरनेट पे बहुत सारी अच्छी चीजें हैं तो बहुत सारी बुरी चीजें भी है। आपका चैनल बहुत मस्त वाली नॉलेज देता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मैंने चैट की शुरुआत में आपसे बोला था, हमारी कन्वर्सेशन की शुरुआत में बोला था कि जैसे कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी डे लाइफ में, मतलब ये हमारी कल्चर का एक हिस्सा है। आप चाहे कुछ माने, आप कल्चर को तो मानते होंगे डेफिनेटली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बस ये है कि हम एक ऐसा कल्चर बनाना चाहते हैं जहाँ पर पाखंड को कोई जगह ना हो, जहाँ पर लोग तरक्की करें, साइंटिफिक अप्रोच को अपनाएं और वास्तविक बने। बस बाकी जो आज का कल्चर है, इस कल्चर को हम बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। जो आज हमारे कल्चर में हो रहा है ना, ये बहुत ही गलत हो रहा है आज हमारे जो कल्चर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो गलत तरीके से पोर्ट्रेट की गई है इंटरनेट पर, जैसे कि जितना घूंघट प्रथा के बारे में या फिर सती प्रथा के बारे में या जौहर के बारे में जितना गलत, या फिर उसको ये बताया जाता है कि जय भीम। अमित सर, अच्छा हमारे साथ अमित सर आ गए हैं जी। सर जय भीम सर, आपको कैसे हो? हाँ जी जय भीम, और जितने सुनने वाले सभी को जय भीम मेरा। हाँ सर ठीक है, फिर इनको सुन लेते हैं सर, फिर हम कंटिन्यू करते हैं जी। हाँ जी बताएं घूंघट प्रथा के बारे में आप कह रहे थे जी, बताएं। हाँ सर, तो जितनी जैसे कि, हालांकि मैं इन सब बातों पे ट्रस्ट नहीं करता हूँ, इसकी पीछे की जो सच्चाई है वो कुछ और है, लेकिन इंटरनेट पे जो इनका जैसा सशक्तिकरण के विपरीत बताया जाता है कि नहीं ये विद्रोह है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये स्वतंत्रता का हनन है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर कोई अगर ऐसा बोलता है तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी उनसे कि एक बार आप हमारी फैमिली विजिट कर लीजिए या फिर मेरा डिस्ट्रिक्ट विजिट कर लीजिए, हमारा राजस्थान विजिट कर लीजिए। यहाँ पे जितनी स्वतंत्रता है शायद ही मुझे लगता है कि इंडिया के और किसी स्टेट में, या फिर मैं मेरे आसपास का या मेरे परिवार का तो दावे के साथ बोल सकता हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारी औरतों का अपना पर्सनल चुनाव है, ये उनके पास में, ये उनकी अपनी इच्छा है कि वो क्या करना चाहती है या क्या नहीं करना चाहती। देखिए रणबीर जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, ये पर्सनल चुनाव ना मानसिक गुलामी के कारण है। ये धर्म भी किसी ने जबरदस्ती आज कोई थोप नहीं रहा है कि आप धर्म को फॉलो कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ये भी लोग खुद ही चुनाव कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि ये उनकी गुलामी का कारण है, ये उनके शोषण का कारण है। वो इसकी रूट कॉज तक नहीं जा पाते हैं, उनको पता ही नहीं है कि इससे उनका शोषण होता है। वो अपने शोषण के बारे में जानते ही नहीं कि ये शोषण हो रहा है, उन्हें अपने अधिकार ही नहीं पता, उन्हें आजादी होती क्या यही नहीं पता। ये चीजें हैं, तो ये बिल्कुल गलत है कि भाई अपने मर्जी से वो कर रही हैं। जब तक उनको शिक्षित नहीं करेंगे, उनको अपने राइट्स पता नहीं होंगे, पैट्रियार्कल सोसाइटी में उनपे जो चीजें थोप दी गई हैं और उन्होंने उन चीजों को एक्सेप्ट किया, और ये सदियों से हुआ है उनके ऊपर, और वो समाज में उस वो चीजों को देखकर पली बड़ी हैं, तो वो वही चीजें, उसके अलावा उन्होंने देखी नहीं है दुनिया, वो चीजें समझी ही नहीं दुनिया के बारे में। उनको लगा है कि हमारा कल्चर यही है, बस यही चीजें हमको अडॉप्ट करनी है, यही चीजें हमें फॉलो करनी है, इसलिए वो मजबूरी में आके वो कर रही है। किसी को घूंघट डालना पसंद नहीं होता, आज 21वीं सदी की कोई भी लड़की ये घूंघट डालना पसंद नहीं करती, लेकिन मजबूरी में जब उसकी शादी हो जाती है, उसको ये सब इसलिए करना पड़ता है कि चार लोग उसको ताने मारते हैं। जब मैं एक रैशनलिस्ट, इतना कट्टर रैशनलिस्ट हूं कि मैं किसी भी पाखंडी चीज को सपोर्ट नहीं करता, उसके बाद में फैमिली प्रेशर, मैं अपने दूसरे परिवार के लोग, मतलब फैमिली के लोग, वो मेरे पे प्रेशर डालते हैं कि तुम ऐसी बातें क्यों करते हो, मेरे सोसाइटी वाले मुझ पर प्रेशर डालते हैं, मैं सबसे जंग लेता हूँ। मैं आज सबके लिए इतना कड़वा हूँ कि मतलब लोग मुझसे बात करना पसंद नहीं करते। तो ये चीज है, ये कोई कल्चर नहीं है, ये कल्चर नहीं, मैं इस कल्चर को अभिशाप मानता हूँ कि गुलामी अडॉप्ट करवाता है, दूसरी तरफ कहता है कि ये आजादी है, मतलब उनकी स्वेच्छा से वो ऐसा कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी किए, कोरोना में ये कहे थे कि भी मास्क लगाना पड़ रहा है, हमारे पूर्वज देखो कितने एडवांस थे कि उन्होंने पहले ये पता था घूंघट इसलिए डालती थी औरतें जिससे कि ये बैक्टीरिया अंदर ना घुस पाए। यार ये बताओ, तो क्या बैक्टीरिया औरतों पे ही अटैक करते थे, मर्दों के लिए नहीं? मर्दों पे भी घूंघट डलवा देते एक बड़ा सा। तो ये दोगलापंथी क्यों या दोहरा चरित्र क्यों? अमित सर, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें सर इनकी बातों। जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि लगभग मेरी फैमिली में सारे लिटरेट हैं, और कुछ हमारी फैमिली जैसे मेरी बहन है या मेरी माँ है तो वो लोग गवर्नमेंट सर्वेंट है, और हम लोग एक बहुत पढ़े लिखे खानदान से बिलोंग करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इस तरीके से पोर्ट्रेट किया हुआ है ना कि नहीं, वो गुलामी की मानसिकता है। हालांकि मैं इन सारी चीजों को सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैंने सिर्फ आपसे आपकी मानसिकता जानने के लिए पूछा है। एवन पर्सनली मैं इन सारी चीजों को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता हूँ। ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि हमारा कल्चर बहुत महान है या फिर ये जो सारी चीजें हैं बहुत अच्छी है, इसका वर्ण आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसको फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पर्सनली मैं ना तो इसको फॉलो करना के लिए किसी को रिकमेंड करता हूँ कि आप करिए मत करिए, आपकी इच्छा हो जो करिए, आप स्वतंत्र है, जो आपकी इच्छा वो करिए। सिर्फ और सिर्फ मैंने सवाल पूछा है कि ये चीजें गलत तरीके से पोर्ट्रेट करी हुई है, और डेफिनेट क्योंकि मैं जहां से हूँ वहां से ये सारी चीजों का उत्थान हुआ है, तो इसीलिए मैंने आपसे बोल दिया। मेरी पर्सनल ऐसी कोई मानसिकता नहीं। अच्छा ठीक है, मैंने आपकी बात को मान ली। तो सिर्फ आप मेरे को ये बता दें कि चलो मैंने आपकी बात को एक टाइम के लिए अगर हम मान भी लें, और कि हाँ कि ये चीज उनकी अपनी मतलब स्वेच्छा है और वो स्वेच्छा से ये घूंघट करती हैं, तो क्या आपको आजाद औरतें अच्छी नहीं लगती हैं? आप एक तरसील हो, तो आपको मतलब घूंघट डलवाना औरतों पे, अच्छा क्यों घूंघट डलवाना है औरतों पे? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, आपको क्यों उनको मतलब पर्दा में रखना है? या वो स्वेच्छा से भी अगर कर रही है ऐसा ना, नहीं स्वेच्छा से भी अगर वो ऐसा कर रही है ना, तो ये हमें, अगर वो अवेयर नहीं है तो हमें, हमारा दायित्व है कि हम उनको अवेयर करें, पैट्रियार्कल हम ना बने, इस मानसिकता को हम त्यागें, पैट्रियार्कल जो मानसिकता है, और उनसे कहें कि मतलब ये सही नहीं है। आज 21वीं सदी में आपको घूंघट करने की जरूरत नहीं है, आप मन मर्जी से जो जिसमें आपको कंफर्टेबल फील हो वो कपड़े पहने। लेकिन भाई उनको तो साड़ी लपेट दी जाती है, भले उनसे साड़ी संभल नहीं रही हो। तो ये चीज है ना, उनसे कभी पूछा है क्या? कितना सर्वे किए हैं, कितना डेटा कलेक्ट किया है कि कितनी महिलाओं को मतलब जो नई लड़कियां हैं आज वो अब साड़ी खुद से पहनना पसंद करती हैं, या फिर उनपे प्रेशर डाला जा रहा है ये सारी चीजों को? घूंघट किनको पसंद है? बिल्कुल मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ आजाद जी, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि प्रेशर किसी भी चीज को लेकर नहीं है। कोई ये नहीं कहता कि आपने डालना ही पड़ेगा और नहीं डालोगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। और ये सिर्फ देखिए ये प्रेशर ही डाला जाता है। मैं देखा हूँ ना, मैं यहाँ देखता हूँ, मैं भी आपके अड़ोस पड़ोस वाले राज्य से हूँ, तो आप ये समझें यहाँ पर अगर कोई महिला अगर घूंघट ना करे तो उसको बदचलन, चरित्रहीन, समाज सोसाइटी के लिए अभिशाप, ऐसा ऐसा उसको ताने मारे जाते हैं, घर में ताने मारे जाते हैं, और उधर दूसरे से कहते हैं कि वो मतलब अपनी मर्जी से कर रही है। मर्जी से नहीं, उसको इधर उधर से ताने सुनने मिल जाते हैं। अगर मान लो कोई फैमिली बहुत अच्छी हाईली एजुकेटेड और हाईली मतलब लिटरेट है, और उधर वो ये भी कहें कि चलो आपको जैसे रहना मर्जी, आप साड़ी नहीं पहनना, आप हमारे यहाँ लड़की की तरह रहें, लेकिन दूसरे जो लोग आते हैं वो कहेंगे अरे आपकी बहू ऐसे रहती है घर में, हमारे घर तो ऐसे नहीं रहती, ये तो गलत है, ये तो कोई पर्दा नहीं करती, ये तो हमारे कल्चर का वो नाश हो रहा है, ये वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं। तो उनको ना इतने ताने मार दिए जाते हैं कि वो मजबूरी में आकर वो सारी चीजें करने लगती हैं इधर उधर के ताने सुन सुनकर। तो आप ये चीज को समझें, सिर्फ एक कुछ मुट्ठी भर सैंपल से लेके हम ये नहीं कह सकते कि 1.4 बिलियन की आबादी में कि उन पर ये थोपा नहीं गया, ये थोपा जाता है। कोई दो चार फैमिली जो बहुत बहुत क्वालिफाइड है, बहुत लिटरेट फैमिली और जो अच्छे पढ़ी लिखी लड़कियां हैं वो नहीं करती हैं, वो समाज से लड़ जाती हैं, वो अपनी आजादी के लिए, वो उनको अपने राइट्स पता होते हैं, लेकिन ये सबके साथ नहीं है। जो अभी देखो गाँव में हालत ऐसे हैं वो भी तो देखना पड़ेगा ना, वो कहाँ जाएंगे बेचारे, उनको उनके लिए उनके अधिकारों की बात कौन करेगा अगर हम नहीं करेंगे तो। सिर्फ कोई एक राज्य या कोई एक स्टेट या कोई उसका छोटा सा कोई गांव या कोई तहसील या कोई डिस्ट्रिक्ट, ये तो सारा देश नहीं हो सकता ना, हमें पूरे देश को देखना पड़ेगा ना एज होल के, मतलब वहां पर ये सारी चीजें हर जगह हो ऐसा, वो भी तो देखना जरूरी है ना। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो बोला कि भाई अगर इसका रिसर्च का एरिया अगर बड़ा कर लिया जाए या फिर इसको अगर देखा जाए कि केसेस कहाँ पर ज्यादा है तो ऑल ओवर इंडिया से कहीं ना कहीं से उठ ही जाते हैं। मैं सिर्फ हमारे यहाँ की बात कर रहा था, और मैंने जैसा कि बताया मैं पर्सनली बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता ऐसी चीजों को, या ऐसी चीजें जो वास्तविकता में मतलब फ्रीडम के ऊपर पूर्ण विराम लगाए कि नहीं आपने ये करना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीजें फिर आपकी पढ़ाई लिखाई मैं मानता हूँ जी, इसके लिए आपको बहुत शुक्रिया कि आप ऐसा मानते हैं, तो बहुत अच्छा है आपके ऐसे विचार हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ ना, अगर धार्मिक लोग अपने आप को साइंटिफिक वे में आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मैं ये कहता हूँ ना, आपका ही दायित्व है कि आप साइंटिफिक चीजों को अडॉप्ट करें, उस टेम्परामेंट को अडॉप्ट करें, आप ये फालतू की धूर्तता छोड़ें। ये अपने जो किताबों में साइंस का जो दोहन मतलब साइंस का जो गला घोटती हैं, साइंस की हत्या कर रही हैं साइंस के नाम पर, वो चीजों को छोड़ें और उनमें से साइंस निचोड़ना बंद करें। और आपको खुद आकर खुले मंचों से बोलना पड़ेगा कि हमारे जो समाज की इविल्स हैं, जो इविल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, जो पाखंड हैं, उन पर खुद बात आके करनी पड़ेगी ना, खुद बोलना पड़ेगा कि ये पर्दा प्रथा बंद होना चाहिए, मृत्यु भोज जैसी चीजें बंद होनी चाहिए। ये चीजों पे हम जब आकर बोलेंगे ना तो हमें अच्छा लगेगा ना। धार्मिक लोग बोलेंगे, रैशनलिस्ट तो बोलता है लेकिन धार्मिक लोग नहीं बोलते ना। आप भले धार्मिक बने रहिए, हमारी ये लड़ाई नहीं है कि आप नास्तिक ही बनिए, आप वास्तविक तो बनिए, आप चीजों को वो चीजों को मानिए जो चीज आपके लिए कुछ फायदा दे रही हो, जिसमें आपका समय जा रहा है तो वहां से आपको कुछ मिल रहा हो, वो चीजें कीजिए, ना कि सिर्फ आप मतलब आपके पाखंड में ही आपको शांति मिलती है तो आप पाखंड फैला रहे हैं। आपको लग रहा है कि उससे आपको शांति मिल रही है लेकिन आप अल्टीमेटली उसका पाखंड से दूसरे लोगों को भी नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, लेकिन आपको फिर भी ऐसा लग रहा होता है कि नहीं। वेल, आपके प्लेटफॉर्म से एक बात शेयर करूंगा मैं आपसे कि पहले भी मुझ में मतलब लैक ऑफ नॉलेज की वजह से और दूसरों को देख देख कर मैंने बहुत सारी चीजें करी, लाइक मैं संविधान को गालियां देता था पहले, और मतलब जितने भी हमारे यहाँ पे मतलब ये नहीं बोलूंगा सब जगह होता है और बहुत घटिया घटिया किस्म के लोग होते हैं, लेकिन बहुत भयंकर सी चिढ़ थी जब लोग एक दूसरे को जब भी बोलते थे कि जय भीम, तो हमारे वाले लड़के जितने भी थे वो सब एक दूसरे को उनको गालियां देने लग जाते थे, मारपीट पे उतर आते थे, या फिर ये इधर इतने केसबाजी होती थी। बहुत सारे केसेस ऐसे मैंने देखे पर्सनली, और क्योंकि मुझे मैंने आपको बताया कि लैक ऑफ नॉलेज थी, मैंने ये सारी चीजें पढ़ी नहीं थी, मैंने सिर्फ उन लोगों को फॉलो किया कि नहीं वास्तव में हमारे साथ में कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन फिर मैंने बाबा साहेब की जीवनी पढ़ी, मैंने संविधान को पढ़ा, और मतलब जितनी बुक्स इसके ऊपर लिखी हुई, तो मैंने कहा कि इनसे बड़ा इंसान इंडियन हिस्ट्री में हम लोग उनको उतना क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो हमारी विकृत मानसिकता है, हमारे अपने लोगों को। यहाँ पे क्या है कि एक ऐसी सोच सी बन गई है कि SC ST वाले है या फिर जैसे कि OBC फैक्टर है, तो इनके ऊपर मतलब ऐसा लगता है कि इनको विशेषाधिकार है किसी न किसी चीज का। मैं ऐसा इन लोगों की मानसिकता कि इनके तो नौकरी जल्दी लग जाएगी, ये लोग हमसे आगे निकल जाएंगे। मैं एक ऐसे क्षेत्र में रहता हूँ जहाँ पे अगर कोई SC ST से बिलोंग करता है तो मतलब आप चप्पल पहन के नहीं जा सकते, आप घोड़ी पे बैठ के नहीं जा सकते, आप मूछे नहीं रख सकते, आप शादी के अंदर तलवार नहीं पकड़ सकते, आप शेरवानी नहीं पहन सकते। ऐसे क्षेत्र में रहता हूँ मैं। फिर ये क्योंकि अब यहाँ पे लोग डेवलप होने लगे, यहाँ पे SC ST वाले एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत है, खूब है, पूरा एजुकेशन मिनिस्ट्री मतलब भरा हुआ है SC ST से। और इतने बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स है जहाँ पे अब इन लोगों का वर्चस्व हो रहा है। पहले हमारे लोग इनको मतलब बहुत वो वाली नजर से देखते थे कि नहीं ये निकल जाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा। हमारे यहाँ पे क्या है कि कास्टिज्म पीक पर है अभी भी। अभी आजादी के 18-19 ईयर्स बाद में, 75-18 ईयर्स बाद में भी मतलब कास्टिज्म इतना पीक पर है कि लाइक जैसे कि मैं हूँ तो आई बिलोंग्स टू, मतलब मैं एक स्वर्ण फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हालांकि मैं फिर से बोलूंगा, मैं ऐसी चीजों को प्रमोट नहीं करता हूँ और ना मेरी कोई मंशा है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने साथ में जो हो रहा है वो आपके चैनल के थ्रू, आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू बताना चाहता हूँ, है ना, ताकि सारे लोग सुने कि वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो बताते हो ना बिल्कुल ट्रूथ बताते हो आप। हाँ जी, इसके लिए शुक्रिया। लेकिन बस आप ये बताएं, आप ना, चलो ठीक है, ये मैं मानता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप सवर्ण है, लेकिन अगर आप अपने अंदर का जिस दिन सवर्णवाद निकाल देते ना, उस दिन आपको आपके इंसानियत आपके अंदर आ जाती है। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मैं सिर्फ एक इंसान हूँ, सारे इंसान इंसान है, ठीक है, सब वो ऐसे ही पैदा हुए जैसे मैं पैदा हुआ। ना मैं स्वर्ण हूँ, ना मैं चांदी हूँ, ना मैं तांबू हूँ, ना मैं पीतल हूँ, मैं एक इंसान हूँ। और मैं पहले मानवता मानता हूँ, ह्यूमैनिटी सबसे बड़ा धर्म है जी, है जी, उसको ही सबसे आगे रखना पड़ेगा जी। अच्छा, लेकिन अब फिर शुक्रिया आपका, आप आए, आपसे फिर बात करेंगे अगली स्ट्रीम में। अभी ना हमारा प्रेजेंटेशन भी है ना, तो उसको भी स्टार्ट करना है, फिर हम आपसे बात करेंगे। आप अगली स्ट्रीम में जरूर आए। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। मेरा एक सपना था कि आपसे मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके ना। ऐसे अगर बदलाव आ रहा है ना तो बहुत अच्छा है। आपसे देखिए, हमारा किसी से दुश्मनी नहीं है, हम यही कहते हैं, हम सभी से अच्छे से बात करते हैं। अभी देखो, आप आए, आपने जैसे कहा कि हम भी संविधान को गालियां इसलिए दिए क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज, और दूसरी बात हमें जो भरा गया था, हमने जो सुना था वो मानसिकता हमने अपनी दिखाई। जब हमने सच्चाई जानी तो हम बदल गए। यही है, मैं कहता हूँ ना, ये जो बकते हैं ना, ये कहीं से भरे भराए लोग होते हैं जिनके अंदर चाबी भर दी जाती है, अभी वो चल रहे होते हैं। जैसे चाबी भर दो ना, गाड़ी आती है चाबी वाली, फिर वो भागती है जब तक उनकी चाबी वो निकल नहीं जाती, और जैसी निकलती है फिर कोई चाबी मरोड़ देता है, फिर से वो दौड़ने लगती है। तो वो चीज है ना। आप, मैं ये कहता हूँ सभी से, अगर मैं कहीं गलत हूँ, आप खुद रेफरेंस में पूरे एक रेफरेंस देता हूँ, कोई भी धार्मिक रेफरेंस नहीं देता, मैं रेफरेंस देता हूँ, आप चेक करो। अगर मैं फैक्चुअली कहीं गलत हूँ, आके मेरे मंच से बोलो, मैं यहाँ पे लाइव बोलता हूँ, यहाँ पर कुछ छुपा तो लूंगा नहीं। अगर मैं गलत हूँ तो सबको दिख जाएगा कि मैं गलत बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं खुले मंच से, मुझे माफी मांगनी पड़ेगी कि मैंने गलत तोड़ मरोड़ के फैक्ट दिखाए थे। लेकिन लोग, बस दिक्कत ये है ना, मानवता को जो नहीं अपनाना चाहते तो वो जस्टिफाई करने आते हैं, वो गलत चीजों को प्रमोट करने आते हैं, वो फैक्ट देखना ही नहीं चाहते। रीचेक, देखिए मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं कि ये नफरत मतलब बन सी गई, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम लोग बहुत अभी डार्क जीवन में है। हमारे यहाँ पे वही शस्त्रबाजी, वही पुराने युद्ध वाला कल्चर अभी भी चल रहा है ना। मैं एक ऐसे एरिया से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे अरावली की पर्वतमाला के आसपास में है, और बहुत डार्क कल्चर है हमारा, बहुत डीप कल्चर है। हर चीज का इंटरनली 100 मीनिंग्स निकाले जाते हैं। मैं एक ऐसे कल्चर से, एक ऐसी जगह से, एक बहुत छोटे से गाँव से संबंध रखता हूँ मैं, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक कास्ट की चलती है मात्र। उन्होंने जो बोल दिया, पुलिस तक की हाथ की बात नहीं है कि हमारे यहाँ पे आ जाए और मतलब कुछ फैसले ले ले अपने। ये अभी तक का हमारा इतना डार्क कल्चर है जहाँ पे पुलिस को हमारे गांव में आने के लिए भी पहले कुछ लोगों की परमिशन लेनी पड़ती है, फिर वो लोग आते हैं, समझ रहे हैं आप। तो मैं वहां से निकल के आपके इस प्लेटफॉर्म पे बात कर रहा हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये कि ये सारी चीजें मैं शेयर कर पा रहा हूँ किसी के साथ में, है ना जी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। देखिए, आपने ये कितनी ये बात बताई कि मतलब आज भी संविधान से ऊपर कुछ जातिवादी लोग हैं, जहां पर मतलब अगर पुलिस ऑफिसर्स भी जाएं तो उनको भी परमिशन लेनी पड़ती है उन लोगों से, वो अपने आप को संविधान से बड़ा समझते हैं। तो ये इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। ये चीजें हैं, बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीजें हमारे देश में हो रही हैं, बहुत ही डार्क एज है। आपने बिल्कुल सही कहा। ठीक है फिर राव जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपको फिर लेता हूँ आज।